हाय गाइस, एज यू पीपल नो कि अभी जो सिचुएशन चल रही है रशिया एंड यूक्रेन के अंदर, वो और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। कल से काफ़ी सारी मीटिंग्स बुलाई जा रही थी, काफ़ी सारी कंट्रीज से अपील करी जा रही थी कि वो रशिया से बात करें, जिसमें से एक नाम हमारे देश का भी था। इंडिया ने यहाँ पे कॉल तो किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इससे आउटकम निकल के नहीं आए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंडिया इज़ अ मेम्बर ऑफ नाम, और जब वो नाम का मेम्बर है तो वो किसी भी कंट्री को खुलेआम सपोर्ट नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे जो आज सुबह की अभी की न्यूज़ आई है, क्योंकि मैंने जस्ट करेंट अफेयर्स ख़त्म किया है और उसके बाद में जो न्यूज़ आई है वो ये है कि नाटो ने, जिसका मेंबर यूक्रेन बनना चाहता था, नाटो ने अपने फोर्सेस को यूक्रेन में भेजने से साफ इनकार कर दिया है। यानी कि अब यूक्रेन के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, वहां पे किसी भी कंट्री ने अपने फोर्सेस को नहीं भेजा है, क्योंकि एक साइड पे इंडिया तो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा नहीं, दूसरी साइड पे जो यूएसए है, जिसने वादा किया था यूक्रेन से कि जब तुम बुलाओगे तब हम आएंगे, लेकिन यूएसए ने भी अपने फोर्सेस को जर्मनी तक भेजा हुआ है, बट उसके आगे वो नहीं भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि जब क्रिटिकल सिचुएशन आएगी देन वी विल एक्ट। दूसरी तरफ जो बाकी कंट्रीज हैं लाइक फ्रांस, इन सब ने सैंक्शंस लगाए हैं, बट सैंक्शंस का कोई ऐसा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा रशिया के ऊपर, बिकॉज रशिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो वहां पर अभी की जो न्यूज है उसके हिसाब से नाटो के जो फोर्सेज हैं वो वहां पर नहीं जाएंगे, एंड सिचुएशन अब और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। डेफिनेट सी बात है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि नाटो के अंदर जो फाउंडिंग मेंबर थे वो कौन थे। ये मैंने आज सुबह ही आपको पढ़ाया है करंट अफेयर्स में, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो एक बार से इसका रिमाइंडर सेट कर लीजिए, सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे आपका क्लास शेड्यूल रहता है।